गोरखपुर विकास प्राधिकरण के सभागार में शुक्रवार को मंडलायुक्त व जीडीए अध्यक्ष रवि कुमार एनजी की अध्यक्षता में जीडीए बोर्ड की बैठक आयोजित किया गया। बैठक में जीडीए उपाध्यक्ष आशीष कुमार, जिलाधिकारी के विजयन पांडियन, जीडीए सचिव राम सिंह गौतम सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में जीडीए अध्यक्ष रवि कुमार एनजी ने जनपद में होने वाले विकास कार्यों और निर्माणाधीन भवनों और जमीनों को लेकर जीडीए की संपत्ति को लेकर समीक्षा की। इस दौरान गोलघर में बन रहे पार्किंग स्थल को शुरू करने की सहमति बनी, जिसे जल्द ही जनता के लिए खोल दिया जाए। इसके अलावा जीडीए के विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। रामगढ़ताल के 500 मीटर दायरे में हाई रिस्क मानचित्र पर फिलहाल ग्रीन सेस हरित अधिभार नहीं लगाया जाएगा। जीडीए बोर्ड की 119वीं बैठक में इस बात का फैसला किया गया कि फिलहाल कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया जाएगा। इस मामले में कमेटी की ओर से तैयार रिपोर्ट गोरखपुर विकास प्राधिकरण जीडीए के अध्यक्ष मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी को भेजी जाएगी। रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद मंडलायुक्त इस पर निर्णय लेंगे। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में बैठक करीब 3 घंटे तक चली। बैठक में जीडीए से जुड़े विभिन्न 19 बिंदुओं पर चर्चा की गई। महायोगी गुरु गंभीर नाथ प्रेक्षागृह के संचालन को लेकर भी बैठक में चर्चा की गई। इसकी साफ सफाई के लिए निजी फर्मों से आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाएगा। प्रेक्षागृह की बुकिंग एवं बिजली का बिल का काम जीडीए देखेगा। एकीकृत मंडलीय कार्यालय को लेकर भी चर्चा की गई। बैठक में बताया गया कि शासन से अभी धन नहीं मिला है, जिसके कारण काम प्रभावित है। जीडीए अधिकारियों ने मानबेला किसानों को बढ़ा हुआ मुआवजा देने को लेकर बोर्ड को जानकारी दी। बोर्ड बैठक में वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के संचालन को लेकर भी चर्चा हुई। यह तय हुआ कि संचालन का अधिकार पर्यटन विभाग को दिया जाए, लेकिन जीडीए को भी कुछ राजस्व दिया जाए। बोर्ड बैठक में तय हुआ कि रामगढ़ताल की सफाई के मद में बकाया 3,10,00,000 रुपए जीडीए जल निगम को देगा। गोरखपुर विकास प्राधिकरण व्यवसाय संपत्तियों को मूल हासिल किए जाने के संबंध में इस पर निश्चित निर्णय हुआ था कि और इन्हीं का सर जो है कोई बात नहीं, सब होगा। बोर्ड का सर इसमें काफी कीमत कम की गई है, उसके बाद भी एक महीने में कोई उसमें चिंता नहीं पड़ा सर। आवासी सर हमारे भूखंड कोई शेष नहीं है सर, आवासी में तो हम सर फ्लैट वर्क कर रही है। इसमें सर व्यावसायिक में हमारे कुछ भूखंड अवशेष हैं सर, जो अभी पिछले बोर्ड बैठक में सर ये हुआ था कि जो गोलघर की हमारी सर दुकानें हैं, क्योंकि उनका प्राइस बहुत हाई हो गया था, उसको फ्रीज करके पहले ऑप्शन किया गया था सर, नहीं हो पाया था, इसलिए उसका डिप्रिशिएट किया गया था सर एज पर दिया है। अभी एक महीने में अभी कोई उसमें किसी ने पार्टिसिपेट सर नहीं किया है। हम लोग इतना ज़्यादा बड़ा रुकते हैं कि आपको आइडिया होना चाहिए सर मार्केट कंडीशन क्या है, उसके तहत आप प्लान नहीं करेंगे तो फिर आप अननेसेसरली बहुत ज़्यादा रेस करके रखते हैं तो कोई आएगा ही नहीं, उसके नतीजे ये है वो सब अंडर होते जाए। ये तो बोल करके तो मुझे लगता है समय से भी मैं देख रहा हूँ, समय से भी ऑलमोस्ट खाली जी, तो क्या इसको किराया पे उठाने से भी नहीं हो पा रहा है। मास्टर प्लान का सर सर्वे मास्टर लगाया जा रहा है, उसमें उन्होंने सर रिडार सर्वे किया है, जहाँ पे सर हर एक पॉइंट का वो एलिवेशन उन्होंने आपसे कैसे ड्रेनेज प्लान करना है, उस
उसका सर उन्होंने पूरा भी एक पूरा खाता तैयार कर रखा है से लेकर सर इंजीनियरिंग कॉलेज की तो उसमें कुछ ऑब्जर्वेशन हम लोग के थे कुछ उसमें गौर किए हैं। अभी हम लोग ने सर जीते एक हफ्ते पहले बैठक किए थे तो हमने कहा कि आप इसको दो पार्ट कर दीजिए। आपको सारे करवा लिए हैं सर। मैकेनिकल पार्किंग का भी सर बस अभी फाइनेंशियल को अच्छा नहीं था सर तो वो बाकी है। बाकी हमारे फायर के इलेक्ट्रिसिटी के साइट अंडर हमारे सर रेडी है। जैसे ही सर हमें वहाँ से स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी सर तो हम लोग सर काम शुरू करवा देंगे। मल्टीलेवल पार्किंग के सामने सर कमर्शियल कराने की बात थी वो बजट का फंसी हुई थी सर। सर वो जियो बस बाकी हो जाएगा सर तो हो जाएगा। अभी मेरा अनुभव है सर एक्चुअली तब तक के लिए पब्लिक के लिए बोल सकते हैं सर ताकि पीछे की तरफ से बन गया है। अब इनके कंसेशन साइड सर कमर्शियल बनते रहे ताकि कम से कम सर त्योहार के पहले कुछ खुल जाएगा पीछे पार्किंग सर। शायद फायर का काम सर वो लाइन वाइन डाल रहे हैं सर वो सर मतलब सर वहाँ पब्लिक का सर यदि सुविधा हम पहले दे सकते हैं थोड़ा अच्छा रहेगा सर। पिछले बार जो हमने यही कॉम्प्लेंट रखा था सेफ्टी एस्पेक्ट आप पूरा करके जितने आप पब्लिक के लिए यूज कर सकते हो प्रयास के लिए यूज कर सकते हो। प्रोजेक्ट आप कर लीजिए जैसा आप मोशन आइडेंटिफाई कर लीजिए तो आपका सेफेस्ट है सर। चाहे आप स्टार्टिंग का टू व्हीलर से करना चाहते हैं टू व्हीलर से करिए। मिनिमम नंबर आप फोर व्हीलर्स पे करना चाहते हैं तो मिनिमम नंबर फोर व्हीलर से करेंगे। कुछ तो प्लान कर लीजिए ना देखिए देख करके है ना आप प्लान कर लीजिए कि हो सकता है छोटा छोटा ही पहले शुरू हो जाए सर एक मोशन से शुरू हो जाए उसके बाद फिर हम लोग उसको बढ़ाते जाएंगे। सर देखभाल को मानदेय पर रखे जाने इसमें सर जो दिशा निर्देश दिए गए थे उसके अनुसार इनको रख लिया गया है तस्कार और अनुभव। आप लोग है ना इसको मेरा सुझाव जितने भी कर्मचारी चाहिए उसको जितना चाहे वो इंजीनियर को कॉन्ट्रैक्ट में जितना आप लेना चाहते हो ये नंबर पर्टिकुलर बुक कर लीजिए। हमें इतना सिविल इंजीनियर का जरूरत है इतना इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का जरूरत है इतना रेवेन्यू स्टैक्स का हमारे लिए जरूरत है वो नंबर आप बोर्ड से स्वीकृत करा दीजिए। बट द अदर थिंग्स का वीसी शुड टेक द कॉल मतलब इंटरव्यू करके ये सब चीज़ है ना एक एक आदमी के लिए यहाँ पे लाने का कोई औचित्य नहीं ठीक है। आपको यू नीड फाइव सिविल इंजीनियर्स को फाइनलाइज देना ठीक है और लेखपाल मतलब सिमिलरली रेवेन्यू स्टैक्स भी आपको एक तहसीलदार चाहिए दो तहसीलदार चाहिए जो भी चाहिए है ना आप ये फाइनल करके आप नंबर बोर्ड से अप्रूवल करा दीजिए। हम लोग एक एक कर थोड़ा थोड़ा सर अच्छा छवि वाले के रख लिया सर एक ही अनुरोध है। अच्छा मानदेय भी है ना मानदेय गवर्नमेंट का नॉर्म्स है जो लास्ट पे एक साल से ज़्यादा हो गया।